कोविशील्ड आप आपको पहले कोविशील्ड पड़ा है, उसके बाद आपको कोवैक्स पड़ा है, तो इससे लोगों के हेल्थ पे कोई असर गलत नहीं पड़ेगा। नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके लिए लोगों को स्वदेश निर्मित दो वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाया जा रहा है। लोगों को एक निश्चित अंतराल पर वैक्सीन के दो डोज लगाना होता है। एक ही काम के लिए दोनों वैक्सीन को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग फार्मूले से तैयार किया है और कहा गया है कि पहले डोज में जो वैक्सीन ली गई है वही वैक्सीन दूसरी डोज में भी लिया जाए। लेकिन लोग ये भूल कर रहे हैं, पहले डोज और दूसरे डोज में अलग अलग वैक्सीन ले रहे हैं। ऐसा करने से क्या नुकसान होगा, ये बता रहे हैं द विनायका हॉस्पिटल के डॉक्टर चंदन कुमार। जो हमारी कोविशील्ड है वो जो वायरस के डीएनए को लेकर के बनाया गया है, वायरस के आरएनए को लेकर के बनाया गया है। कोवैक्स सबसे सेफ वैक्सीन है क्योंकि इसका इस प्रकार की वैक्सीन पहले भी दी जा चुकी है। वो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कोरोना के को कमज़ोर करके ये डाला गया है। जैसे टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, और थर्ड है कि आरएनए से जो प्रोटीन निकलता है उसको लेकर के जो बनाया गया है वो स्पुतनिक है। तो अगर आपको कोविशील्ड आपको पहले कोविशील्ड पड़ा है, उसके बाद आपको कोवैक्स पड़ा है, तो इससे लोगों के हेल्थ पे कोई असर गलत नहीं पड़ेगा। ये दोनों इम्यूनिटी बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, दोनों मेमोरी सेल पे काम कर रहे हैं। तो आप हमको लिखना है तो हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं, कभी कभी उसमें ब्लू पेन खत्म हो गया तो हमको लिखने से मतलब है। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ब्लू पेन है, ब्लू पेन खत्म हो गया तो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। उपचार मुख्य उद्देश्य उपचार, दोनों कोविशील्ड हो या कोवैक्स हो, दोनों हमारे इम्यूनिटी को ही बढ़ाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें अफवाह फैलाने की बात नहीं है कि कोविशील्ड और कोवैक्स आपको अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व करेगा या परेशान करेगा। या ये लोग सोच, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई आपको कोविशील्ड पड़ा है उसके बाद आपको कोवैक्स पड़ जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी बहुत गिर जाएगी या फिर आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्पष्ट साधारण शब्दों में भी बता दिया कि दोनों का काम इलाज है। मुख्य उद्देश्य हमारा उपचार है और मुख्य उपचार कभी कभी हो, अगर हमारा ब्लू पेन ख़त्म हो गया तो हम अपने कॉपी को राइट करने के लिए ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों से बराबर ही, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है।